आशा के मोती चैनल में धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई एक साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने वह धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है, वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। जय बोलो धरती माता की।